Yes, hello sir. How are you? Hello, good, good, Okay, yeah. now I'll hang out the phone. Okay. Hello sir, how are you? I'm good. Hi, hi. Have to introduce our play and me and yourself to the audience so we can start. Yeah. Basically, let's start quickly. Wow, I'm good. Hey, hello to everybody. Everyone is there. I'll just. Okay. First of all, I want to thank Mumbai Theatre Guide to provide this wonderful platform. Now, let's talk about this Dr. Anandi Bai. This is 1865 to 1887. Okay. Now, in this 100 year back story, we are talking the story about time where there were no communication method. There were communication, but not the this kind of fast communication system. और ये वो समय की वो काल की बात है जब बच्ची को पढ़ाई बैंड थी, यानी कोई प्रमोट नहीं करता था. अगर बच्चिया गर्ल्स एजुकेशन वाज नॉट देयर, और ये वो टाइम था जब दिस आनंदी बाई इन सम रिमोट एरिया फ्रॉम बंबई से बाजू में कल्याण कल्याण थाना थाना कल्याण हाँ कल्याण के कोई कस्बे में, वहां से शी टुक हर जर्नी. एंड एट वन टाइम व्हेन शी गॉट अ अर्ली मैरिज एज अ चाइल्ड मैरिज एंड गॉट अ एट द एज ऑफ 12 शी गॉट अ वन किड. बेसिकली उसको बच्चा हुआ, एंड वो बच्चा शिकुन से वार उसको पता भी नहीं था क्योंकि वो खुद बच्ची थी, तब की बात है. और वो जब बच्चा उसके आंखों के सामने उसकी मौत हुई, तो शी डिसाइडेड के एक अंदर से एज अ ह्यूमन शी हैड अ क्राई कि यार, औरतों की बात औरतें ही समझ पाएंगी. और उसके लिए शी डिसाइडेड टू मेडिसिन, आई विल टेक ओवर मेडिसिन. अभी सोचिए, वो टाइम पे वो वहां से बंबई आई, प्रार्थना समाज एरिया में रही, पढ़ी, फिर वहां से देन शी स्टार्टेड हर कैरियर. एंड दैट कैरियर आई थिंक मानसी यू विल नरेट, राइट? यस सो एंड दिस इज अ फैंटास्टिक करेज एज अ ह्यूमन. वी मस्ट अंडरस्टैंड के 1720 में प्लेग आया था, 1820 में प्लेग आया था, एंड मिलियंस एंड मिलियंस पीपल डाइड एंड दे सफर्ड अ लॉट. एंड नाउ वी आर इन 2020, एंड नाउ वी हैव ऑल फैंटास्टिक फैसिलिटी एंड फैंटास्टिक कम्युनिकेशन स्किल. एंड ये बहुत अमेजिंग है कि हम एक दूसरे से अपने सुख और दुख बांट सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट मानसी, आई वॉन्ट यू टू टेक ओवर. ऑलरेडी मैंने तेरी 8 मिनट ले ली है,
So I will not take, and I want to mention that this is a wonderful play written by Geeta Manik. Hi, she's Geeta. There with us right now. Geeta she's Manik. Hello. Yeah, please shoot. Yeah. Please shoot. Bye, sir. Bye. Good luck. Thank you. कलकत्ता जैसे सुसंस्कृत शहर में से मदद मिल सकती है, ऐसा सोचकर हम कलकत्ता चले गए। बंगालियों के बारे में जो विश्वास था उसकी धज्जियां उड़ गई। कलकत्ता में मुझे खिताब मिला, दारुण भीषण स्त्री। वजह, बाई मानूस फिर भी घूंघट निकालती नहीं, खुद के पति के साथ गुलछर्रे उड़ाती है तो किसके साथ उड़ाएगी। कलकत्ता ने हमारी दारुण भीषण परीक्षा भी ली। ब्रिटिशरों का शासन था, वॉयसराय के लिए गवर्नर का खत आया था। मेरे है वो खत खुद पहुंचाने जा रहे थे कि रास्ते में उनके असिस्टेंट ने वो खत कहीं घुमा दिया। इस बात ने तो बवाल खड़ा कर दिया, यांची नौकरी के लिए ये घाबर ले। मैंने इनको कहा, इसमें डरने की क्या बात है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आपने कोई गलत काम नहीं किया। आणि तसंच झालं, हे निर्दोष सुटले। इतना ही नहीं, नौकरी पर फिर से बुलाए गए, मुझे भी मान सम्मान देकर बुलाया गया। देवी, आपनी ये पोस्ट ऑफिस जॉइन करान, आपनार महीने 30 टका, आपनी ये प्रथम भद्र महिला गौन जिन्हें पोस्ट ऑफिसे काज पे चिले। उस जमाने में महीना 30 रुपया बहुत बड़ी रकम थी, पण मी त्यांना सांगितलं, 30 क्या, 3 से दोगे ना तो भी मुझे आपकी नौकरी नहीं चाहिए। आमच्या ह्यांना किती त्रास झालाय। पर उस समय अगर वो नौकरी का स्वीकार किया होता तो भारत की पहली पोस्ट मास्टर भी तो बनी गई होती। पण हा बायकांचं जरा विचित्रच असतं, रिश्तों में समझौते कर लेते हैं, मार खा लेते हैं, अपमान सह लेते हैं, पर हमारे स्वजन पर अगर कोई आज आए तो शेरनिया बन जाते हैं। असो मैंने अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने के लिए मेहनत करना जारी रखा था। 150 साल पहले इस छोटी सी लड़की की सपने को साकार करने के लिए मराठी, बंगाली, गुजराती बंधु बांधव नहीं आए, पर एक ब्रिटिश वृद्ध दाम्पत्ति ने फिलाडेल्फिया के मेडिकल कॉलेज के डीन को खत लिखा, कलकत्ता के अखबार में इश्तेहार दिया, कोई अमेरिका जा रहा हो तो इस लिटिल हिंदू लेडी को आपके साथ भेजना है। मेरा असंभव सपना साकार हो रहा था। धड़म, क्रांतिकारियों से भी, क्रांतिकारियों के बम से भी बड़ा विस्फोट हुआ। देश के, समाज के सारे सवाल धरे के धरे रह गए। अपने देश की एक ब्राह्मण महिला अकेली परदेश जा ही कैसे सकती है, ये अपने देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया। इसका विरोध करना हर एक देशवासी को अपना कर्तव्य लगने लगा। मैंने जाहिर सभा बुलाने का निश्चय किया, लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। पोस्ट मास्टर की डॉक्टर बनने चली बाई को भाषण देगी मणे, दारुण चमत्कार। बाई मानूस अकेली परदेश में, घोर कलयुग है रे बाबा। मराठी, बंगाली, गुजराती ही नहीं, यूरोपियों के कोठियों पर भी चाय पर यही चर्चा थी। What? Young woman will give speech. Surprising. इतने बड़े तमाशे को न्योते की जरूरत कहां? माननीय महोदय और भद्र महिलागण, मानव अधिकार कल्याण कल हरो आमादेर कर्तव्य। एक पृथ्वी ते 3 प्रकृतिर मनुष्य बोस करे। प्रथम प्रकृतिर मनुष्य जरा भ्यार्थता कोई चेष्टा करे ना, द्वितीय प्रकृतिर मानुष जरा कार्य शुरू करे, परंतु कोनो अवरोधेर कारणे से कार्य संपूर्ण करे थाके। परंतु एक तृतीय प्रकृतिर मानुष होए, जरा निष्फलता एवं बधार विरुद्ध जीत प्राप्त करे। आमी आनंदी हेलाम तृतीय प्रकृतिर मानुष एवं आमे अमेरिका ते यात्रा करची, एई यात्राय अपना आशीर्वाद और सहायता चाही। इस भाषण के प्रभाव से ब्रिटिशरों ने इकट्ठा मिलकर मुझे 750 रुपए की भेंट दी।
वैसे हमारे देशवासियों देशवासियों ने भी कम भेंटे नहीं दी। मराठी, बंगाली, गुजराती बंधु बांधवों ने इकट्ठा मिलकर मुझे मन भर गालियां दी। असो, जैसा मैंने आपको कहा, अनजान जगह जाने का मुझे डर नहीं था। मेरे मन में मेरा सपना बिल्कुल स्पष्ट था। मेरे मृत बच्चे के चेहरे को मैं पल भर के लिए भी नहीं भूली थी। और मैं सिटी ऑफ कलकत्ता नाम के जहाज में अमेरिका जाने के लिए रवाना हो गई। अमेरिका जाना, डॉक्टर बनना, ये कोई मेरी निजी महत्वाकांक्षा नहीं थी। मुझे अपना नाम इतिहास में अमर नहीं करना था, मुझे सावित्री बनना था। असंख्य महिलाएं, उनके बच्चों को यमराज के घर से छुड़ाना था, उनकी पीड़ा को कम करना था। मेरे संकल्प में से स्वार्थ निकल गया, उसका बल बढ़ता चला गया, सारे कार्य तेजी से होने लगे। 9 साल के सहवास के बाद हम पति पत्नी पहली बार बिछड़ रहे थे। हालांकि इस बात का मुझे अंदाजा था, परदेश मैं जा रही थी पर हमसे है उनके स्वभाव के कारण अपने ही देश में परदेसी हो जाने वाले हैं। असो, जहाज में 2 महीने का 2 महीने की वो यात्रा, कड़कड़ाती ठंडी, उबले हुए आलू, कच्चे चावल, ब्रिटिश प्रवासियों की अवहेलना, जहाज पर एक इंजीनियर की गंदी नजर, इन सब के बाद न्यूयॉर्क के बंदरगाह पर ऐसे शब्द सुनने मिले तब वो कितने मीठे लगे। थियो मौसी के घर न्यूयॉर्क में बिताए गए उन गर्मी के दिनों में मैंने अपना बचपन फिर से जी लिया था। नमवारी पहनी हुई, जूड़े में फूल लगाई हुई ये आनंदी सबके लिए प्रदर्शनी थी। मुझे डॉक्टर बनाने का श्रेय लेने वाले मेरे हे ने अमेरिका जाने से पहले मुझसे कई सारे वचन लिए थे। उनमें से भारतीय पोशाक ही धारण करना, 2 शब्द से ज्यादा गैर मर्द से बात मत करना। असो, वैसे देखा जाए तो मेरे हे मेरे साथ नहीं थे, पर उनकी नजर कायम मुझ पर कौवे की तरह बनी है, ऐसा एहसास मुझे उनके खतों द्वारा किया जा रहा था। ओटो बगीतला मी तुझा, बदल लेला वेश बोतला नहीं अंगला, धर्म भी वही रखा है या बदल दिया? तुम तो स्वच्छंद हो गई हो, मुझे पूछना भी तुम्हें जरूरी नहीं लगता। अभी इतना है तो शराब पी, डांस कर, तुम्हें बेडरूम में ले जाने के लिए पुरुष तरस रहे होंगे, तुम वहां पे कितनी भी मजा करो, नीथे पसलो है ब्रह्मचर्य सरखा। बाय द वे, मैंने अपने पोशाक में बस इतना ही बदलाव लाया था, नौवारी के जगह गुजराती साड़ी पहनने लगी थी ताकि मुझे चलने फिरने में आसानी हो। असु, अमेरिका की धरती पर डॉक्टर बनने का सपना लेकर आने वाली मैं कोई अकेली महिला नहीं थी। दुनिया भर से महिलाएं आ रही थी डॉक्टर बनने के लिए। भारत हो, बेल्जियम हो या बर्मा, पृथ्वीवर्ती कावड़े काले, मनुष्य के डर, उसके स्वभाव और उसकी मूर्खताएं भी एक जैसी। मेरे आप जैसी एक सामान्य स्त्री डॉक्टर बन सकती है, ऐसी मान्यता को स्वीकारने के लिए यूरोप में, अमेरिका में भी स्त्रियों को जूझना पड़ा था। लुगाइयां मेडिकल में, घर में कामकाज नहीं है। प्रकृति ने महिलाओं की रचना बच्चे पैदा करने के लिए की है, उन्हें बच्चे ही पैदा करने चाहिए। इन सब में हद तो तब हुई जब 500 साल पहली रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन के एक डॉक्टर ने कहा, महिलाएं अगर मेडिकल का पढ़ेंगी तो उनके दिमाग पर असर होगा, फिर वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगी। और महिलाएं तो नाजुक होती है, मासिक धर्म, गर्भावस्था, इन सब में कहां मेडिकल के पढ़ने का बोझ उठा पाएंगी। अगर मैं वहां होती तो कहती, एक स्त्री 9 महीने बच्चे का भार सह लेती है तो एक स्त्री बच्चे का भार सह लेती है तो पढ़ाई का बोझ क्या होगा उसे। फिर ये पुरुष ऐसी भी दलीलें करते, महिलाएं तो नाजुक होती है, महिलाओं को तो डॉक्टर बनने के लिए तो चीरना पड़ता है, फाड़ना पड़ता है, खून के फुहारे निकलते हैं, ये सब देख के, खून देख के महिलाएं चक्कर खाके गिर जाएंगी। या खून के उस लाल रंग के साथ हमारा दोस्ताना 13-14 की आयु में ही बन जाता है,
ये हमारी सहेली हर महीने हमसे मिलने जो आती है. इंजेक्शन चा एका सुईला घबरणारे पुरुष मी पाहिले. स्त्रियों की अकल घुटने में होती है, इस जुमले पर भारतीयों का पेटेंट नहीं है, विश्व पूरा इस बात पर एकमत है. स्त्रियों को मेडिकल में प्रवेश ना देने के लिए उनकी अकल को कम आंकने का जुमल पश्चिमी मुल्कों में भी था. आपको पता है दुनिया की सबसे पहली महिला डॉक्टर पुरुष थी, आयरलैंड की मार्गरेट एन बाल्कली. उसकी पूरी जिंदगी डॉक्टर जेम्स बेरी बनकर रही, क्योंकि मार्गरेट को तो लोगों ने जीने ही नहीं दिया होता. दुनिया का सबसे पहला सीजेरियन ऑपरेशन जिसमें माँ और बच्चा दोनों बच गए थे, वो करने वाली डॉक्टर जेम्स बेरी मार्गरेट थी. ठंडी हो गर्मी हो वो हमेशा ओवरकोट पहना करती थी अपने स्त्रीत्व को छुपाने के लिए. वैसे उसने अपने वसीयत में लिखा था, जब भी मेरा मृत्यु होगा तभी मुझे स्नान मत करवाना और जिस हालत में मेरा मृत शरीर होगा उसी हालत में मुझे दफना देना. पर उसकी बात किसी ने मानी नहीं और जब भी उसकी मृत्यु हुई तभी पता चला ये था नहीं थी औरत थी. दुनिया की सबसे पहली महिला डॉक्टर होने के बावजूद भी वो सम्मान उसे नहीं मिला. गूगल कीजिए नाटक के बाद. दुनिया की सबसे पहली महिला डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकवेल का नाम सामने आएगा. अहो या सगळ्यात मी तर खूप भाग्यशाली होते, मेरे पहले मार्गरेट जैसी असंख्य महिलाएं अपना बलिदान दे चुकी थी और इनके रहते अमेरिका की यूनिवर्सिटीज इस लिटिल हिंदू लेडी के लिए रेड कारपेट बिछाकर बैठी थी. मुझे एडमिशन 3-3 यूनिवर्सिटीज में मिलने वाली थी, पर मुझे सिर्फ एडमिशन नहीं स्कॉलरशिप भी चाहिए थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे. यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन और स्कॉलरशिप दोनों भी मिल सकती थी, पर उसके लिए मुझे आवेदन पत्र में अपनी उम्र झूठी लिखने पड़ने वाली थी. काय फरक पड़तो 18 चाहे वजी 20 लिखून टाक. झूठ की बुनियाद पर सच की इमारत कैसे बन सकती है. मैंने अपनी उम्र 18 ही लिखी और साथ में एक खत लिखा, द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी इज विथ मी एंड आई मस्ट नॉट फेल. My soul have moved to help the many who cannot help themselves. I ask nothing for myself individually, but all that is necessary for my work. मेरे अपने देश में अवरोधों का सामना करके मैंने संकल्प किया और संयोगों के मोजाओं पर उछलती हुई आपके देश में आई हूँ डॉक्टर बनने के लिए. मुझे अपने बहनों की सेवा करनी है. शर्म के मारे वो किसी पुरुष डॉक्टर के हाथों से दवाई लेने से बेहतर मरना पसंद करती है. मेरे हृदय में पीड़ा उठती है मेरी इन बहनों के लिए. मेरी जैसी अगर एक भारतीय नारी को आप पढ़ने की मुहा दोगे तो आपकी अमेरिका मानवता के इतिहास में अमर हो जाएगी. कॉलेज के दिन रशेल बोडली बाई के हृदय तक मानवता की आवाज पहुंची और मैं 18 की होने के बावजूद भी मुझे ही स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए ऐसी सिफारिश उन्होंने की. हेतु स्वच्छ असला ना तुम्ही देव तुम्ही सुद्धा मदतीला उभे राहता. दिन बोडली बाई के शिफारस से स्कॉलरशिप मिल गई थी, पर अभी ज्ञान पाने का परिश्रम मुझे ही करना था. पहली बार मुझे बिल्कुल अकेली रहना पड़ने वाला था. घर लगाने में मदद करके थियो मौसी निकल गई रोजे. फिलाडेल्फिया के कंपकपाती ठंडी में सूरज का प्रकाश नहीं और मेरे घर के प्राइमस में आग नहीं. जो भी हाथ लगता था कच्चा पक्का खा लेती थी. बहुत रोना आता था. अहो लहान होते मी. असो मेडिकल कॉलेज शुरू होने से पहले मुझे मैट्रिक की परीक्षा पास करनी थी. मराठी तर माझी मातृभाषा. मैं कब से आपके साथ हिंदी में बात कर रही हूँ. मने गुजराती पण आवडतो होतो. भूजवनी ने कच्छी सकी गणी. ननगे कन्नडा बोत लगे बर लगे माताड लगे बरतडे. आम्ही बांग्ला भाषा ताके बालो भाषी ते आम्ही ताडाताडी ते भाषा ते सिकते पेरेची. When I was in India, I could read and write. But after coming to US, I used to speak it so fluently that at times I used to think, perhaps I will forget my mother tongue, Marathi. देश आमचा शिवरायांचा झाशी वाल्या रणराणीचा शिरतळ हाती धरू जिंकू किंवा मरू. मला आवडते माझी मातृभाषा.
मेरी शैक्षणिक पात्रता का प्रमाण देने वाली एक भी डिग्री मेरे पास नहीं थी। ऐसी कोई डिग्री के लिए अपने देश की एक भी संस्था ने मुझे लायक ही नहीं समझा था। मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली और डिग्री भी हासिल कर ली। दुनिया की सबसे पहली महिला मेडिकल कॉलेज में आ चुकी थी। कोई को कमी जापान से आई थी, सबाते इस्माइल बाहुली सीरिया से आई थी। नई नई सहेलियां मिल रही थी, ज्ञान पिपाशा शांत हो रही थी, पर शरीर अस्वस्थ था। मुझे सतत खांसता हुआ देख मेरे एक प्रोफेसर ने मुझसे कहा, हे एंडे, यू आर सो फ्रेजाइल, यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अ डॉक्टर कैन नॉट बी सिक बाय हरसेल्फ। इन प्रोफेसर को देखती तो इनमें मुझे मेरे तात्या ही नजर आते, वो भी मेरे तात्या के जैसे ही मेरी देखभाल करते। उन्होंने मुझसे कहा, एंडी, ऑल दिस वेजिटेरियन फूड यू ईट इज नॉट गुड फॉर यू इन दिस कोल्ड क्लाइमेट, यू मस्ट ईट रेड मीट, हैव सम वाइन। नो सर, आई एम अ हिंदू ब्राह्मण, आई कैन नॉट हैव ऑल दिस। वेल, इन दैट केस ईट ड्राई फ्रूट एंड फ्रूट्स एंड हैव सम मिल्क। यहाँ महीना पूरा होने से पहले मेरा बटवा खत्म होता था, उनमें ये सब चीजें कहां से लाती। प्रोफेसर ने बात समझ ली, वेल वी विल फाइंड सम वे। मेरे ये तात्या, ये प्रोफेसर कुछ वे निकालते उससे पहले ही रोड एक्सीडेंट में चल बसे। मेरे लिए बहुत बड़ा आघात था। असो मेडिकल कॉलेज शुरू होने से पहले हमें एक मृत शरीर की चीरफाड़ करने, पहले सत्र में हमें एक मृत शरीर की चीरफाड़ करनी थी। सो गर्ल्स, नाउ वी विल डाइसेक्ट दिस डेड बॉडी एंड आइडेंटिफाई द ऑर्गन्स। हम लोग सब इकट्ठा हुए, गोरा गोरा पान, वही त्वचा, वही रंग, फूल की पकड़ियों जैसी नाजुक नाजुक उंगलियां, और मेरे सामने देखती वो नजर बंद क्यों है। मेरे हाथ पैर कंपकपाने लगे, कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन के जैसे मेरे गात्रे शिथिल होने लगे। यह मुझे ही मेरा कृष्ण होना था। मैंने मुझसे ही कहा, ऐसे हजारों बालकों की जान बचानी हो तो इस बालक के शरीर को चीरना होगा। ये लेक्चर पूरा हो तभी कुल 42 छात्रियों के कक्ष में सिर्फ दो ही बची, एक मैं और मेरी शिक्षिका। उस साल 30 इंच बर्फ की वर्षा हुई। बदला हुआ वातावरण, लोग, परिस्थिति, सब कुछ सहन हो जाता अगर मुझ पर तरह तरह के इल्जाम न लगाए गए होते। पहले सत्र में मुझे एक जोड़ीदार मिला, वो मेरा जोड़ीदार था सिरदर्द। दूसरे सत्र में दूसरा जोड़ीदार मिला पीठ का दर्द। आमच्या ह्यांच्या पत्रांचे बांटर चालूच होते। शारीरिक अस्वस्थता, पढ़ने की मेहनत, आर्थिक समस्या, इन सब में अगर एक हफ्ता खत नहीं लिख पाई तो ये मुझे खत के द्वारा कोसने लगते। नवऱ्याला पत्र लिहायची सवड नाही, का मिळालाय कुठला तरी प्ले बॉय। प्ले बॉय तो नहीं मिला था, लेकिन मेरे शरीर ने क्षय के साथ दोस्ती निभाना शुरू कर दिया था। अमेरिका में मेरे 2 साल पूरे भी नहीं हुए थे और इतने में आमचा हैनी उनकी नौकरी छोड़ के अमेरिका टपक पड़े। मेरे हे अमेरिका आकर भाषण देने लगे, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम बरगा गोपाळराव विनायकराव जोशी, ए आनंदी इज माय वाइफ, आई बिलीव हायर एजुकेशन अनफिट्स वुमेन फॉर देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स, बर का। आहो, असं तुम्ही का बोललात? यमू, डोंट बी इन अ इल्यूजन, बर का, दिस इज द ट्रूथ। मेडिकल कॉलेज में मैं शारीरिक समस्याओं को कैसे निभाना है उस विषय में सीख रही थी, पर मेरे मानसिक समस्याओं का इलाज तो उनके पास भी नहीं था। मेरी आखिरी इम्तिहान का आखिरी पेपर था उस दिन। आखिरी पेपर में आखिरी शब्द लिखकर मैं वही बेहोश हो गई। मैं ग्रेजुएट हो गई,
डॉक्टर आनंदीबाई जोशी। पूरे कॉलेज में सेलिब्रेशन का माहौल था, जोर जोर से बैंड बज रहा था। क्वीन विक्टोरिया ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन का खत भेजा था, पंडिता रमाबाई मेरा सत्कार करने वाली थी। ये अपने पूरे देश के लिए गर्व की बात थी। मला हे सांगू लागले, आनंदी हम यहीं पे सेटल हो जाते हैं, आपल्या देशात तुला काळो कुत्र विचारणार नाही। मेरा निश्चय अडक था। जिस देश में, जिस बाटी में मेरे बच्चे का मृत्यु हुआ है, वहां की बहनों पर मुझे उपचार करने हैं, और हम इटू रिटा स्टीमर में वतन जाने के लिए निकल पड़े। शरीर में टीबी प्रवेश चुका था। हम वतन चले जा रहे थे। मुंबई का किनारा नजदीक आ रहा था, पर जीवन दूर सरकता चला जा रहा था। मैं पढ़ ना सकूं, इसलिए जिस शहर के लोग मुझ पर थूके थे, उसी शहर के लोग अब मुझ पर इस डॉक्टरनी पर पुष्प वृष्टि करने के लिए इकट्ठा हुए थे। प्रिंसली स्टेट के अल्बर्ट एडवर्ड हॉस्पिटल में मुझे फीमेल वार्ड की इंचार्ज बनाया गया था। मुझ पर लाइक्स की वर्षा हो रही थी, पर इन सब में मेरे लिए महत्व का था तिलक का पत्र। लोकमान्य तिलक मुझे लिख रहे थे, आनंदी मुझे पता है पढ़ने के लिए तुमने कितनी समस्या झेली है, और मुझे पता है तुम्हें आर्थिक सहायता की जरूरत है। मैं ठहरा एक सामान्य संपादक, सिर्फ 100 रुपए भेंट कर सकता हूँ। मेरी इतनी सी भेंट क्या तुम स्वीकारोगी? मैंने वतन में प्रवेश किया था, और टीबी ने थर्ड स्टेज में अब इस डॉक्टरनी को बचाने के लिए प्रयास हो रहे थे। दोरा, धागा, लघु रुद्र, शांति पूजा। एक वैद्य ने कहा, अगर इस डॉक्टरनी को बचाना है तो 7 दिन अन्न का दाना नहीं और पानी की बूंद नहीं। पानी के लिए पुकार कर रहे इन सूखे होठों से मैंने इनको कहा, अहो मेरी अस्थियां गंगा नदी में बहाकर उन्हें प्रदूषित मत करना, उन्हें अमेरिका भेज दीजिए। इक्कीस साल की उम्र में मैं डॉक्टर आनंदी जोशी दूसरी बार अमेरिका जाने के लिए रवाना हुई। इस बार अस्थि कलश में मेरे थियो मौशी ने मेरी अस्थियां न्यूयॉर्क के एक सेमेट्री में संभाल कर रखी है। कभी जाओगे तो देखना जरूर। ये चंद्र, सूरज, तारे फायदा नुकसान देख के उगते हैं और अस्त होते हैं। इतनी सारी समस्याओं के बाद डॉक्टर बनी, फायदा क्या हुआ? मैं समझ गई थी कितनी सारी चीजें फायदा नुकसान के परे होती है। लॉकडाउन के बाद यहां से बाहर जाओगे और किसी महिला डॉक्टर का नाम पढ़ोगे तो उसमें आपको मेरा ही नाम दिखेगा। डिलीवरी रूम में किसी महिला को डिलीवरी कराती, या माँ और बेटे को सीजेरियन करते बचाते किसी नाजुक या करुणा से भरे हाथ देखोगे तो ध्यान से देखना, वो हाथ यही होंगे। हाँ, मैं डॉक्टर बनके प्रैक्टिस नहीं कर पाई, दर्दियों को दवा नहीं दे पाई, पर महिलाएं डॉक्टर नहीं बन सकती। मान्यता के इस पहाड़ को अपने संकल्प के बलबूते पर तोड़कर महामार्ग बनाया, और उस महामार्ग पर से पहले मैं निकली, रखमा बाई निकली, गांगुली बाई निकली, ये महत्व का नहीं है। महत्व का ये है कि आज उस महामार्ग पर से लाखों महिलाएं तेजी से रफ्तार से जा रही है। खुद के लाइक के लिए जीना, यही तो स्वर्ग है, और लोगों के लाइक को पाने के लिए अपना जीवन व्यर्थ गवाना, उसी का नाम तो नरक है। अब आप मुझे लाइक करोगे,
तो वो लाइक आपके सामने बैठी इस आनंदी के लिए या 150 साल मर चुकी उस आनंदी के लिए नहीं होंगे, वो लाइक आपकी आपके लिए होंगे, उस संकल्प शक्ति के लिए होंगे जो आप में, मुझ में, हम सब में मौजूद है। बस एक बार, सिर्फ एक बार उस अंदरूनी संकल्प शक्ति से परिचय हो जाए, फिर किसी की लाइक या डिसलाइक हमें विचलित नहीं कर सकती। सो लाइक, कमेंट, शेयर, आनंदी बाई, बिकॉज यू लाइक योर ओन सेल्फ।